जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज घर के फ्रंट से नहीं, घर के साइड से वीडियो शुरू हो रही है। उसका कारण ऑफ कोर्स यही है, आपको पता लग ही गया होगा कि आज आपके लेकर आए हैं कॉर्नर का इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स वाला, जो कि जस्ट मेरे बैक साइड पे है। ये साइड लुक है घर का। बैक पे आपको एक और जो गेट है वो मिल जाता है, एक और एंट्री मिल जाती है। फ्रंट एंट्री इस तरफ रहेगी हमारी, और इस तरफ को आप देखिए, ऑफ कोर्स कॉर्नर होने का जो फायदा एक मिलता है वो यही है कि आपको ग्रीन एरिया मिल जाता है सेपरेट। सो एक बार देखते हैं, अंदर जाके भी आ जाइए, ये देखिए। सो इतना स्पेस आपको आपका मिल जाता है कॉर्नर का, जहाँ पे आपका ग्रीन स्पेस रहेगा। यहाँ पे एक ये नींबू का पेड़ है, हाँ नींबू का पेड़ भी यहाँ पे लगाया हुआ है। उसी तरीके से आप अपने लिए आम का पेड़ भी लगा सकते हैं, लीची का पेड़ भी लगा सकते हैं, आपको जैसे करना है। एंड यहाँ पे बहुत सारी जो साग सब्जियाँ हैं वो भी आप उगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, इसको प्रॉपर मेंटेन करके यहाँ पे आप आराम से बैठ भी सकते हैं। और धूप तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही आराम से धूप आ रही है। सर्दियों में तो बेनिफिट इसी का होगा कि आपको आराम से अपने ग्रीन एरिया में बैठने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ऐसा डिज़ाइन रहेगा आज के एलिवेशन का, प्रॉपर वाइट कलर के थीम में है। सो इधर आपका स्लाइडिंग गेट आ जाता है, ये देखिए, ये प्रॉपर स्लाइडिंग गेट रहेगा। और गेट भी देखिए खूबसूरती कितनी बढ़ा दी है गेट की भी, वाओ। सो एलिवेशन हम देख चुके हैं, हमने जो बात नहीं की है वो है साइज की। ऑफकोर्स तो साइज है 180 स्क्वायर यार्ड, और जो इसका सेक्टर रहेगा जहाँ पे आज आपको लेकर आए हैं, जहाँ पे ये घर बना हुआ है, तो ये घर बना हुआ है सेक्टर 125 सनी इनक्लेव मोहाली के अंदर। एलिवेशन हम देख चुके हैं, स्लाइडिंग गेट हमने देख लिया, बर्न स्पेस देख लीजिए आप। बर्न एरिया में आपकी दो बड़ी गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं, एंड घर के अंदर भी आपकी जो एक छोटे साइज की गाड़ी है वो आ जाएगी, एक बड़े साइज की गाड़ी भी आ जाएगी घर के अंदर। दैट मीन्स इन टोटल आप 3 से 4 गाड़ियाँ लगा सकते हो आराम से घर के अंदर, कोई इशू नहीं होगा। इस तरफ को आपको टू व्हीलर की पार्किंग मिल जाती है, यहाँ पर आप टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। एंड इधर आप इस वाले एरिया को क्या कर सकते हो, स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप इस स्टेयर्स के नीचे वाला पार्ट कवर करा लीजिए तो यहाँ पे आपका स्टोरेज के लिए स्पेस बन जाएगा। अब उसके बाद आपका मैश स्टोर आ जाता है यहाँ पे। सो ये मैश स्टोर रहेगा, मैश स्टोर के बाद ये आ गया आपका वुडन का डोर, ये भी डिजिटल लॉक के साथ रहेगा। ये देखिए गोदरेज का लॉक यहाँ पे यूज किया हुआ है, फिंगरप्रिंट या तो फिर आपका जो पासकोड है उससे ही ओपन होगा। आइए घर के अंदर चलते हैं। सो ये आ गया घर के अंदर आपका सबसे पहले ड्राइंग एरिया, ये देखिए। ड्राइंग एरिया का स्पेस की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छा स्पेस है, डिसेंट स्पेस आपको मिला हुआ है। इधर आपका, इधर आप अपने सोफाज वगैरह रख सकते हैं या इधर आप रख लीजिए, पूरा ऐसे कवर करके यहाँ सेंटर में आपका टेबल आ जाएगा तो काफ़ी कमाल लगेगा। ऊपर आपको फॉल सीलिंग का वर्क मिल जाता है, डिज़ाइनर फैन इंक्लूड किया हुआ है, विंडोज़ आपकी आ गई यहाँ पे, बड़ी विंडो यहाँ पर आ गई आपकी, एंड साइड में भी स्पेस दिया हुआ है। आप यहाँ पे कुछ भी यू नो पॉड्स वगैरह, छोटे छोटे पॉड्स होते हैं वो आप रख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लुक आएगा। एंड इधर ही वुडन की ऐसे पार्टीशनिंग टाइप्स कर दी हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद इधर को आपका आता है डाइनिंग एरिया, इधर आप अपना डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं, ये डाइनिंग एरिया आप बना लीजिए इधर। सो काफ़ी अच्छा फॉल सीलिंग का वर्क देखने को मिल रहा है, एंड साथ ही में इधर फैंसी लाइट्स काफ़ी अच्छी यूज़ की हुई हैं, फ़ैन आप देख सकते हो। नॉर्मली तो 3 उसके पत्ते होते हैं, जो फैन के पत्ते होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 हैं, क्या बात है। ये मैं आई गेस पहली बार देख रही हूँ ऐसा सा। इधर भी आपको विंडो मिल जाती है, आप क्या कर सकते हो, एक मेरी तरफ से आइडिया, अगर आप चाहो तो विंडो को हटा के ना यहाँ पे एक डोर बना सकते हो, और डोर बना के आप क्या डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो आपके बैकयार्ड में, जो कि आपका ग्रीन स्पेस है, वो आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। ये आपका पॉजिटिव एरिया रहेगा, आपका पूजा स्पेस, क्योंकि पॉजिटिविटी होनी घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इधर आपका आ गया किचन, और अगर किचन की बात की जाए तो किचन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है हमें किचन में। यहाँ पे तो 3 से 4 लोग खड़ के आराम से काम भी करें, गप्पे ही मारे, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरफ को भी स्पेस है आपको मिलता है, जो आपका ये बेड एरिया रहेगा, डबल सिंक एंड सिंगल सिंक यहाँ पे आपको मिलता है, ये काफ़ी अच्छा है। इधर विंडो आपकी आ गई, इधर भी विंडो है, एंड इधर भी विंडो दी हुई है। कैबिनेट्स आ गए नीचे, लोअर कैबिनेट्स, अपर कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं। फॉल सीलिंग का वर्क यहाँ पर भी नज़र आ रहा है हमें देखने को, विद LED लाइट्स। अब लेके चलते हैं नीचे, आपको फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं अटैच्ड वॉशरूम के साथ। ये आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है,
ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पे आपको फॉल सीलिंग, आपके वार्डरोब्स, यहाँ पे आपका जो वॉलपेपर का काम आपको देखने को मिल जाता है। एंड देन उसके बाद अटैच्ड वॉशरूम एक बार जरूर दिखाना चाहूंगी मैं आपको। ये देखिए, वाह, काफी काफी डिजाइनर मिरर यहाँ पे यूज किया गया है। बिल्कुल एप्पल का मिरर यहाँ पे यूज किया हुआ है, जो एप्पल का लोगो होता है। सो विंडो भी है आपके अटैच्ड वॉशरूम में, जो कि ऑफकोर्स जरूरी है, विंडो का होना भी जरूरी है। सैनिटरी फिटिंग्स जैक्वार की गई हैं, काफी अच्छी बात है। तो इधर आपकी विंडो आ जाती है, देखिए। अब चलते हैं आप सभी को लेकर कॉमन वॉशरूम की ओर। ये आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा। एंड देन उसके बाद इधर ये है आपका सेकेंड बेडरूम। ये आपका सेकेंड बेडरूम आ गया। इधर आपके वार्डरोब्स आ गए, ऊपर फॉल सीलिंग आप देख चुके हैं। यहाँ पे आपको ये वॉलपेपर का काम मिल जाता है। ये काफ़ी फैंसी लाइट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सामने को आपका टीवी पैनल आ गया, ये देखिए, ये टीवी पैनल रहेगा। एंड जो आपका वार्डरोब एरिया है, साथ ही में आपका ड्रेसिंग एरिया भी ऐड ऑन किया है यहाँ पर। एंड यहीं से ही आपके सेकेंड बेडरूम से आपको एक्सेस मिलता है आपके बैकयार्ड का। तो ये आपका वॉशिंग स्पेस रहेगा। ये इधर टैप्स आ गए, इधर स्विच आ गया, सो ये वॉशिंग एरिया आपका आ गया। एंड उधर देखिए बैक से भी एंट्री है, जैसा मैंने बताया था आपको। ये देखिए बैक से भी एंट्री, आप यहाँ पे टू व्हीलर्स भी पार्क कर सकते हैं। और अब बारी आती है आप सभी को लेकर जाने की फर्स्ट फ्लोर पे। सो दो बेडरूम्स हम नीचे देख चुके हैं, ड्रॉइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, मंदिर स्पेस, पूजा स्पेस, पूजा स्पेस और किचन हम सब देख चुके हैं। अब लेके चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जाने की हमारी जो एंट्री रहेगी वो बाहर से ही है, तो आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो काफ़ी अच्छा काम देखने को मिल रहा है। ये देखिए वॉलपेपर का काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इधर इधर आपकी बड़ी विंडो आ गई, यहाँ पे विंडो भी आपको मिल जाती है। अब ऊपर आ चुके हैं हम, ये देखिए। सो इतना स्पेस आपका रहेगा, आपका डाइनिंग कम ड्राइंग स्पेस, फॉल सीलिंग आपने देख ली है। इधर आ गया आपका किचन, ये आपका किचन रहेगा। ये आप पूजा स्पेस बना सकते हैं या स्टोर रूम, आपकी मर्जी है, आप जैसे यूज करना चाहें। सो ये देखिए, ये आ गया आपका थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम रहेगा, ऊपर फॉल सीलिंग का काम है। इधर आपको वार्डरोब्स मिल रहे हैं, ये वार्डरोब्स आ गए। सामने को आपका टीवी पैनल रहेगा, ये देखिए, ये टीवी पैनल आ गया। एंड इधर आपका अटैच्ड वॉशरूम, सो ये अटैच्ड वॉशरूम रहेगा आपका। विंडो यहाँ पर भी आपको दी हुई है, यहाँ पे आपको अगेन एक और विंडो मिल गई, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर आपको बेडरूम में मिलती रहे। जैसे हमने नीचे देखा था कॉमन वॉशरूम, सेम यहाँ पर भी आपके फर्स्ट फ्लोर पे कॉमन वॉशरूम दिया है। एंड यहाँ पे आपका आ गया ये फोर्थ बेडरूम, ये देखिए। सो ये फोर्थ बेडरूम रहेगा। एंड यहीं से ही आपको देखिए डोर भी मिल जाता है आपके बैक बालकनी का। इधर आपके वार्डरोब्स आ गए, ये देखिए, ये वार्डरोब आ गया। सेंटर में आपके लिए ड्रेसिंग के लिए मिरर एड ऑन कर दिया। एंड इधर आपको दे दिया गया है टीवी पैनल। अब मैं आपको लेके चलती हूँ फ्रंट बालकनी की ओर। एक बार हम फ्रंट बालकनी देख लेते हैं। वाह, काफी अच्छा लग रहा है। फ्रंट बालकनी का स्पेस बहुत सारा है, काफी अच्छा स्पेस छोड़ा हुआ है फ्रंट बालकनी का। ये देखिए, ये काफी बढ़िया लग रहा है, काफी सारा स्पेस दिया हुआ है फ्रंट बालकनी में। बहुत ही प्यारा सा सिटिंग स्पेस बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऊपर कवर भी है, देखिए ऊपर कवर भी किया हुआ है। बारिश वारिश के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से बैठ सकते हो, मज़ेदार वाइब होगी, बहुत मज़ा आएगा। पार्टी शार्टी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत मज़े आएंगे। सो दोस्तों, ये तो था हमारा 180 गज का घर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एक सिंपल एंड सोबर घर कैसा होता है वो आज देख लिया हमने। बहुत ही प्यारा है, आपने देखा, बहुत सुंदर लगा मुझे बालकनी वाला स्पेस भी। इसके बाद आपकी टेरेस आ जाती है। टेरेस पे ना अभी थोड़ा बहुत काम सा चल रहा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान है, तो हम दिखा नहीं पाएंगे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं अभी से आप सभी को सॉरी बोल रही हूँ कि हम टेरेस नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ पड़ा हुआ है रास्ते में। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बाकी अगर कुछ भी जानना हो तो नीचे से आप हमारा नंबर ले लीजिए, कभी भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम सब आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते, भी प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ एक्सपर्टीज चाहिए आपको, हमसे आप
पूछिए, कुछ भी जानना चाहते कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। तो मैं चली अगली इन्वेंट्री में आपके लिए नया एक घर लेकर आने के लिए, चलिए मैं मिलती हूँ, नमस्कार।